ये है संक्रांति स्पेशल घेवर जो कि मेरे मामा ने भेजा था, तो मैंने सोचा आप सबसे भी शेयर करती हूँ क्योंकि संक्रांति में घेवर भी बांटा जाता है हमारे यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार ना 15 तारीख को मनाई जा रही है संक्रांति हमारे यहाँ पर, तो आज ही हम लोग पूजा वगैरह करेंगे और आज ही धान का जो भी काम होता है ना, धान वगैरह जो भी किया जाता है वो आज ही होगा। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ, मैंने ये रेड कलर की साड़ी पहन ली है, बस हल्की सी तैयार हुई हूँ घर पर क्योंकि पूजा करनी है और फिर शाम को वो धान वगैरह करेंगे, खिचड़ी वगैरह बनेगी। आज बनती है खिचड़ी, मूली की सब्जी और बड़े वगैरह बनते हैं दाल के। तो मूली की सब्जी तो किसी को पसंद नहीं है, तो मैं खिचड़ी तो बनाऊंगी क्योंकि खिचड़ी बनानी तो कंपलसरी होती है आज के दिन। तो बस अभी बस तैयार हो गई हूँ, बाकी के सारे काम निपटाऊंगी, पूजा करूंगी और पूजा करूंगी तो आप सबसे अभी शेयर करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने तैयारी कर ली है। हमारे यहाँ पर हल्दी के गौरी गणेश और शिव जी बनाए जाते हैं, यानी कि शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी हल्दी के बनाए जाते हैं। और तिल के जो लड्डू होते हैं ना, गुड़ और तिल के, वो भोग में लगाए जाते हैं। और जो मैं बांटने के लिए सामान लाई हूँ, वो सारा सामान मैंने लगा दिया है, रख दिया है पूजा में। और इस सारे सामान की पूजा भी करूँगी मैं। पहले भगवान की पूजा करूँगी रोली अक्षत से और भोग लगाऊंगी, उसके बाद ये जो सारा सामान है ना उसकी भी पूजा होगी, और जो सुहाग का सामान मैंने रखा है ना उसकी भी पूजा होगी, और फिर ही ये सारा सामान मैं दान में दूंगी। और सुहाग का जो सामान होता है ना, वो तो बहन बेटियों को देना होता है, और दान का जो भी आप जिसे भी पात्र समझें उसे दान का सामान देना होता है। और मेरे हिसाब से जो ज़रूरतमंद होते हैं वही पात्र होते हैं, तो मैं हमेशा ज़रूरतमंदों को ही जो भी लाती हूँ तो वो सामान उन्हीं को दान में देती हूँ। तो ये मेरी पूजा हो गई है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो चुकी है और मैंने सभी चीज़ों की पूजा कर ली। बस हम लोगों में ना इस तरीके से ही पूजा करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता। मेरी मम्मी भी इसी तरीके से करती है और मेरी सास भी इसी तरीके से करती थी, तो मैं इसी तरीके से बस छोटी सी पूजा करती हूँ और फिर बस दान पुण्य का काम शुरू हो जाता है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी बात कर लेती हूँ आप लोगों से पूजा के बाद, फिर वही घर के सारे काम निपटाने। आज ना तो सफाई हो रखी है और ना ही कुछ, बस खाना बना हुआ है, तो खाने में भी फुलके सेकने हैं पापा के मेरे, और मैंने भी अभी तक कुछ नाश्ता भी नहीं किया है। मैंने कहा पूजा के बाद ही खाऊंगी, तो अब मैं करूँगी नाश्ता। मेरा पोहा बना रखा है, सांस फूल गई, तो उसे गर्म करूँगी और अब खाऊँगी पोहा, और उसके बाद 12 या 1 बजे तक मतलब खाने का काम होगा। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ किचन में और किचन का बाकी बचा हुआ काम कर लेती हूँ। खाना पानी सब हो चुका है, पूजा हो चुकी है, ढेर सारे बर्तन इकट्ठे हैं वो साफ करने हैं, और अभी भिगोंगी दाल क्योंकि बड़े बनाने हैं। और आज शाम को मम्मी पापा और मेरा भाई और मेरी भाभी भी आएंगे, तो मैं सोच रही हूँ आज बड़े बनेंगे तो उन लोगों के लिए भी बना दूंगी, तो साथ में बड़े इन्जॉय करेंगे संक्रांति में। तो मैंने मम्मी से भी बोल दिया है कि आज मैं बड़े यहीं पर बना लूँगी क्योंकि मम्मी का बड़े बनाने का प्रोग्राम था, तो मैंने कहा मम्मी मैं आज यहीं बना लूँगी तो आप मत बनाना। तो बस मैं फटाफट फटाफट काम निपटा रही हूँ क्योंकि ढेर सारे बर्तन पड़े हैं, कपड़े धोने को पड़े हैं, अभी तो सिर्फ सफाई हुई है, खाना पानी हुआ है, और अथक को भी स्कूल से लेने जाना है, बड़े बनाने हैं, तैयारी करनी है, पता नहीं क्या क्या। तो चलिए काम करती हूँ, फटाफट से काम में जुटना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मोठ की जो दाल होती है ना, हमारे यहाँ पर मोठ दाल के ही बड़े बनते हैं बीकानेर में, तो मोठ दाल जो होती है ना उसे मैं 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दूंगी। उसके बाद इसके जो है इसका पेस्ट बनाकर ग्राइंड करके इसके बड़े बनाऊंगी। मैंने पहले आपसे शेयर भी किए हैं एक व्लॉग में, तो यहाँ पर मैं इसे अब ढककर रख दूंगी पानी डालने के बाद। और फ्रेंड्स, शाम हो चुकी थी और मम्मी पापा भाई भाभी सब लोग आए थे, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि वो शाम को देन लेन करने के लिए आएंगे। संक्रांति में जो बेटी वगैरह को दान पुण्य किया जाता है, बायना होता है, तो भाभी का पहला बायना था संक्रांति में, तो वो भी देना था उनको मुझे, तो वो सब लोग आए थे तो देने के लिए आए थे, तो सब लोग आए थे तो कुछ बातचीत चल रही थी हम लोगों की, हंसी मजाक चल रहा था, तो पापा मम्मी वगैरह भाभी वगैरह इतना कुछ लेके गए थे, तो मैं कह रही थी उनसे कि जगह ही नहीं है मेरे पास इतना रखने की, आप लोग इतना कुछ लेके आ गए हो। फिर यहाँ पर हम लोग बड़े बना रहे थे, पोष बड़े जो होते हैं ना,
तो मैंने मम्मी से बोला था कि मैं यहीं पर बना लूँगी, आप लोग आओगे तो। और मैं चाय बना रही थी और भाभी जो है बड़े तल रही थी, तो हम लोग साथ में किचन में काम कर रहे थे, तो मम्मी हमारी वीडियो भी ले रही थी, तो काफ़ी अच्छा लगा। भाभी भैया भाभी सब लोग आए, मम्मी पापा वगैरह, बहुत अच्छा लगा। और त्यौहार त्यौहार की तरह लगता है जब फैमिली वाले आ जाते हैं ना, नहीं तो सूना सूना सा लगता है। तो यहाँ पर मम्मी ने कहा मैं बना लेती हूँ, तुम लोग थोड़ी देर बैठ जाओ, तो परोसने का काम भी चल रहा था, बनाने का काम भी चल रहा था, तो मम्मी ने कहा कि मैं बना लेती हूँ, थोड़े बड़े मैं निकाल देती हूँ। तो मैंने मम्मी की भी वीडियो बना ली थी और फिर मैंने कहा सब लोग बैठो और फिर बैठ के एक साथ खाएंगे, क्योंकि बड़े तलने में भी टाइम लगता है, सिकने में तो थोड़े थोड़े ही बन पाते हैं, एक साथ इतने सारे नहीं बन पाते हैं, क्योंकि इनको सिकने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि कच्चे रह जाते हैं अगर हम प्रॉपर नहीं सेकें तो उनको। तो यहाँ पर मैं सबकी वीडियो भी ले रही थी, अथक भी इंजॉय कर रहा था अपने मामा के साथ, तो मम्मी वगैरह हंस रहे थे। और ये रहे वो पोश बड़े जो मैंने बनाए थे, चटनी बना ली थी और चाय बना ली थी, भुजिया रख लिया था, और यहाँ पर हमारा खाना पीना सब हो गया था। तो अथक तबला बजा के मामा को अपने दिखा रहा था, और शाम होने के बाद वो लोग चले गए थे अपने घर, और मैं आ गई थी ज़रूरतमंदों को दान देने के लिए, जो मैंने थाली वगैरह निकाली थी उन लोगों के लिए। तो मैं हमेशा, मैंने आपको बताया है, गरीबों को या ज़रूरतमंदों को देती हूँ, गरीब नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, तो ज़रूरतमंद लोगों को ही मैं हमेशा दान की चीज़ें देती हूँ, ताकि उन लोगों को कुछ मिल पाए। तो ये सब दान वगैरह हो गया था, उसके बाद मैंने खिचड़ी बना ली थी, ये तो ज़रूरी है, संक्रांति हो और खिचड़ी ना बने। और काफ़ी और कुछ खाने का मन भी नहीं था, क्योंकि बड़े वगैरह खा लिए थे, तो मैंने खिचड़ी ही बनाई थी सिर्फ। हाय फ्रेंड्स, और अभी फ़िलहाल बज चुके हैं 10 और हमारा डिनर हो चुका है, और मैं बाकी सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ, और अथक भी आप सबसे हेलो बोलना चाह रहा है। हेलो फ्रेंड्स। तो अभी मैंने सोचा कि अब मैं फ्री हो चुकी हूँ काम से, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज मेरी फैमिली वाले आए थे, मम्मी पापा भाई भाभी, संक्रांति का जो शगुन वगैरह देना होता है वो सब लेके आए थे, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूं और व्लॉग का भी एंड कर देती हूं, तो आप लोगों को भी दिखा देती हूं मेरी भाभी ने क्या क्या दिया है मुझे, बहुत कुछ लेके गई है, तो दिखा देती हूं आप लोगों को भी। एक बैग ये, और अभी दिखाती हूँ, वन बाई वन दिखाऊंगी, बहुत सारा सामान है, दिखाना ही मुश्किल हो जाएगा, दो दो बैग भर के आ गए हैं, रखने की भी जगह नहीं है, इतना कुछ आ गया है। तो सबसे पहले दिखा देती हूँ, ये एक साड़ी दी है भाभी ने मुझे, अभी दिखाई नहीं रही प्रॉपर, इसमें एक ये साड़ी दी है, सुंदर है काफ़ी, और एक दिया है मुझे स्टॉल ये, और ये कुछ मम्मी ने दिया है, मिठाई मिक्स हो गई हैं चीज़ें, मिठाई नहीं, मिठाई ये सौंफदानी वगैरह ऐसा कुछ होता है ना ये, और दिखाती हूँ भाभी ने क्या दिया है, इसमें तो कुछ मिठाई वगैरह होगी, कुछ क्या है, मिठाई हमेशा दिखाती हूँ, इसमें भी घेवर है, और दो घेवर अलग से और रखे हैं, वो वहाँ रखे हैं अभी, अभी दिखाना वो वाले घेवर आ गए, संक्रांति में घेवर ही होते हैं, ये मूंगफली और ये, हाँ, और ये लड्डू, तिल वाले लड्डू, और ये पता नहीं क्या होते हैं और क्या बोलते हैं इनको, खजूर वगैरह ऐसा कुछ होता है, और ये मिठाई है कुछ, गजक है, गजक होती है ना चीनी वाली गजक, वो है, और ये घेवर और है, इसमें भी घेवर है, इसमें से कुछ हमने खा भी लिया है, और भी दिखाती हूँ, और तो खिचड़ी वगैरह का सामान होता है ना वो है, तो आग का सारा सामान है, ये लड्डू और है, ये रेवड़ी वगैरह है कुछ, और ये सारा सुहाग का सामान, और ये मेरी भाभी ने दी है पायल और बिछिया मुझे, और इसमें तो सारा सुहाग का सामान है, और पता नहीं क्या क्या है, ये भाभी के घर से आई है कुछ चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह और रेवड़ी वगैरह, और ये बस वही मूंगफली, नारियल और मूली, मूली एक सेकेंड, मूली भी दिखाई देती हूँ, जब दिखाई रही हूँ, ये सब चीज़ें आई थी आज, और ये घी, तो इतना कुछ आ चुका है, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई हूँ, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा यहाँ दिखा देती हूँ। और ये मम्मी ने भी बाटी थी ऐसी, तो मम्मी ने मुझे और अथक को भी दी ऐसी खंड वाली थालियाँ, जो मैंने बाटी है ना वैसी मम्मी ने भी बाटी आज, तो वो मेरी है, तो ये सब चीज़ें थी। और ये मेरी मामी ने शॉल भेजा है एक मुझे, और एक मामी ने पैसे वगैरह कुछ भेजे हैं, ऐसे
बहुत सा कुछ आ गया है, तो ये सब मैंने चीजें आपको दिखाई, शेयर कर दी। तो मुझे बताना जरूर व्लॉग आज का कैसा लगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एक बार और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर, बाय।